नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमित सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजौरी जिले के त्रेडू लोअर बी पंचायत से सरपंच व भारतीय जनता पार्टी के कई सारे अहदे हैं इनके पास, विनोद बजाल। तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि ये खुद ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी को हक दिलाने के लिए इनके द्वारा क्या क्या कोशिशें की गई हैं और इनका क्या कहना है। सरपंच साहब, आपका स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। ओबीसी को हक दिलाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कोशिशें की गई हैं और क्या ओबीसी को हक मिलेगा? देखिए जमीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा ही अच्छा मुद्दा है जो आपने मुझे पूछा है कि ओबीसी को अपने राइट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए हैं। तो इस सब में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी है 370 धारा हटने के बाद, 370 धारा हटने के बाद आज हम सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको, जैसे एसटी हो गया उसको, उनको मिला, उनका स्टेटस मिला, जो रिजर्वेशन हुई उनको मिली, पहाड़ी हो गए उनको अपने राइट्स मिले, हर एक जो कम्युनिटी है उसको अपने राइट्स मिले हैं। लेकिन हम अदर बैकवर्ड क्लास से हैं और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी ही अनुरोध है, आशा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यूटी अब 370 धारा की आड़ में, जो जिस तरह से ओबीसी जो ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे इनको इग्नोर किया गया, आज भारतीय जनता पार्टी जो है हम उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जो जम्मू कश्मीर यूटी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो माननीय मनोज सिन्हा जी, उनसे भी हम रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं। उनके पास हमारे जो रिप्रेजेंटेशन हमने देनी थी वो दी हैं, तो इस सब में हम यही रिक्वेस्ट ही करेंगे कि ओबीसी को अपने राइट्स जो हैं जो सेंटर में दिए जाते हैं, अदर स्टेट्स में दिए जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में दिए जाए। आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही ओबीसी को राइट्स मिलने वाले हैं? देखिए मैं स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये पक्का है कि जल्द ही ओबीसी के ऊपर कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट सोचने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी के लिए जो उसके जो आरक्षण है वो देने के लिए तत्पर है, और हम भी अपेक्षा कर रहे हैं, आशा करते हैं कि हमें जल्द ही वो अपने राइट्स जो हैं वो दिए जाए, क्योंकि हम बहुत ही बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। काफ़ी समय से हम हमारी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज नहीं हो पाई है, तो हम चाहते हैं कि इस ये सब राइट्स हमें जब मिलेंगे तो हमें अपना जो अपने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और सर, हम ये बात भी आपसे जानना चाहेंगे, आप सरपंच हैं तो आपकी पंचायत में किस तरह के काम चल रहे हैं? देखिए, पंचायत के काम करने का हमारा अपना ही एक तरीका होता है सरपंच के पास, लेकिन ठीक है, मेरे तो अच्छा है, फुल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साथ दे रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में मॉडल विलेज का दर्जा दिया जाए, जल्द ही मैं अपनी पंचायत को मॉडल विलेज में तब्दील करूँ। इसमें डिस्ट्रिक्ट का, डीसी साहब का भी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे सहयोग चाहिए। मैं उनसे बार रिक्वेस्ट भी करूँगा, कल हमारा मेगा कैंप है तो उसमें हम जो पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो हमें मॉडल विलेज की तरफ थोड़ा आकर्षित किया जाए, कुछ फंडिंग्स की जाए। मॉडल विलेज हो जाए तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। बाकी चल रहा है, जो प्राइमरी स्कूल है उनको अपग्रेडेशन के लिए डाला है, रोड्स को मैंने PMJSY में डाल दिया है जी, तो और भी बड़ी सारी स्कूलों को प्ले फील्ड दे रहा हूँ ताकि आने वाला फ्यूचर जो है वो किस तरह से हम उसको निखार सकें। तो बड़ी कोशिशें हैं, देखते हैं आगे आगे देखते हैं होता है क्या। नहीं, कुछ सरपंच तो ये कहते हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा, मतलब जिस तरह के उनको कहा गया था कि उनको राइट्स मिलेंगे वो नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सरपंचेस की बात करते हैं, देखिए बंदे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं वो खुद ऑफिसर से बात करके ये हर मसले का हल होता है। अगर बंदा काम करना चाहता है तो उसके लिए ऑफिसर्स से आपको गाइड्स करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके लाइजन में, आप बड़े सारे काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे फंड्स भी आते हैं। आज ऐसा सिस्टम है कि जो हम धन्यवाद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 3-tier सिस्टम लागू हो गया, पंचायती राज जो इम्प्लीमेंट हो गया जम्मू कश्मीर में जी, ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी थी, जो डेवलपमेंट थी, उसको आज करने का हमें मौका मिला है। आज हम कहते हैं कि हम सरपंच हैं और कहने का मन भी करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट फंडिंग कर रही है पंचायत में, तो पंचायत का फर्ज बनता है कि उसको किस तरीके से आगे यूज़ करना जी। तो सर, 3-tier सिस्टम के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब प्रगति होगी, जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं, जो पंचायतें हैं वहां विकास होगा? देखिए, 3-tier सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है जी, मैं कह रहा हूं आपको, पेंशन्स लोगों की लग चुकी हैं, गरीब जो किसान है उसको इंस्टॉलमेंट मिल रही है, उसको जो देखो हेल्थ जो आज गोल्डन कार्ड है जी, वो लोगों को 5 lakh की फैसिलिटी दे रहा है। आज जैसे हम और भी हमारी स्कीम्स हैं
जी हमारी तो 60-70 स्कीमें हैं, अब मैं आपको पूरी काउंट करके बताऊंगा। ऐसे ऐसे लेबर कार्ड से हम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं जो उनके पास रोज़गार नहीं है, लेबर कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुद्दे भी हैं जिन पर काम हो रहा है। आज मैं कहता हूँ कि आज मुझे सरपंच बनने के बाद फ़ख्र होता है कि निचले स्तर के लोग जिनको कभी पूछा ही नहीं गया, हर टाइम उनको इग्नोर किया गया, आज वो खुश हैं मोदी जी के से, मोदी जी की जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उससे वो सभी लोग खुश हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच विनोद बिजाल जी, जो कि इनके पास भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ओहदे हैं और ये राजौरी ज़िले के त्रेडू लोअर बी पंचायत के सरपंच हैं। तो इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द OBC को रिजर्वेशन मिलने वाला है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि DDC इलेक्शन के बाद अब गांव में विकास देखने को मिलेगा। मुझे और मेरे सहयोगी वकील सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।